नमस्कार दोस्तों, एएनबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है और खासकर जब ये वीडियो पाकिस्तानी देखेंगे तो पाकिस्तानियों को मिर्ची तो लगेगी ही, साथ ही साथ पाकिस्तानियों के मुंह से बाबा के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भारत की स्मार्ट कश्मीर को। देखिये, ये रहा बस स्टेडियम और यहाँ पे देखिये लाइट्स ये सब लगी हुई है। ये देखिये वहाँ पे लाइट्स ये सब लगी हुई है स्टेडियम में, और यहाँ से एंट्री है बक्स स्टेडियम की, मेन एंट्री इसको वहाँ से है। और यहाँ पे देखिए, ये जो सीमेंट आर्ट किया गया था इसको देखिए कैसा डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे ऊपर से लाइट्स लगाई गई है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और बहुत चलना पड़ा मुझे क्योंकि बैटरी रिक्शा नहीं मिला मुझे और ना ही कोई गाड़ी मिली, इसलिए मैं चल के आया यहाँ पे। तो अभी मैंने सदात को फ़ोन किया, वो भी राजबाग में ही है, तो वो भी मिलेगा मुझे उधर ही, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये ना पूरा रोड यहाँ से चमक रहा है, यहाँ पे स्पोर्ट्स प्लेयर बनाए गए हैं। और यहाँ से देखिए स्टेडियम की लाइट्स, वो देखिए वहाँ से पूरा स्टेडियम ही है, ठीक है। उसके दीवार पे सीमेंट आर्ट किया गया है। ये देखिए गाइस, ये है अपने ऑफिशियल सदात भाई। क्या हाल है भाई? अच्छे से गने सब ठीक? क्या भूल गया है मुझको? मैं नहीं भूलता किसी को, भूलता मैं नहीं किसी को। अच्छी बात है। और बता, तुझे गिम्बल विम्बल आया? नहीं, बस ये ट्राई करा था सेकंड हैंड, मैं तो सेकंड हैंड व्लॉगर हूं। अच्छा, कितने का मिला? ये मिला मेरे को 7000 का। 7000 का सेकंड हैंड नया? कितने का होगा? नया आता है 9000 का। ओ भाई साहब, ये भी नया है लेकिन ये ओपन बॉक्स था। पहली बार गिम्बल से व्लॉगिंग करनी थी? हाँ, आज मैं पहली बार कर रहा हूँ गिम्बल से। देख रहा हूँ अभी फाइनली पहुंचे हम लाल मंडी राजबाग, और यहाँ से देखिए क्या लाइट्स की गई है। ये देखिए जो पिलर्स लगे हुए ना, यहाँ पे लाइट्स की गई है। बाकी आप देख लो, वो है शिकारा, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। ये जो लाइट्स है ना शिकारा की, वो रिफ्लेक्ट हो रही है पानी के साथ, इसको कितना मस्त लग रहा है। गाइस, ये चेक करें आज कितने आए हैं यहाँ राजबाग घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ आज इनॉग्रेशन हुई ना। आज नहीं होगी, 25th को। आज वो मनोज सिन्हा आज भी आए थे। हाँ, ओ भाई साहब, इतनी भीड़, मैंने ना इससे पहले यहाँ पे इतनी भीड़ कभी नहीं देखी है। ये देखिए कितने लोग आए हुए यहाँ पे। हाँ गाइस, यहाँ से भी लाइट्स लगाए गए हैं। ये देखिए ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ से। ये देखिए, ये ना इसके अंदर से लाइट्स लगाई गई है। ये देखिए गाइस, पता नहीं चला 9:30 भी बज चुके हैं। आप यहाँ पे खुद देख लो गाइस, कितनी भीड़ है यहाँ पे। आज मैं बता रहा हूँ, मैंने ना इससे पहले यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ नहीं देखी है कभी भी। गाइस, ये देखिए क्या डिजाइन बनाया गया है यहाँ पे बटरफ्लाई का। ओ भाई साहब, ये देखिए इस पे भी लाइट्स है, लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं हुई है। ये देखिए लाइट्स लगेगी ना तभी मस्त लगेगा सच में। ये देखिए, यहाँ पे देखिए LED G20। हाँ गाइस, कैसा डिजाइन बनाया गया है यहाँ पे। ये देखिए, नीचे नहीं दिखा पा रहा क्योंकि नीचे ना बहुत ज्यादा भीड़ है। ये देखिए, इसलिए ऊपर से ही दिखा रहा हूँ। ओ भाई, भीड़ देख लो यहाँ पे, जैसे कोई पार्क है यहाँ, उतनी भीड़ है यहाँ। दिन मैं मेले में गया था ना, वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी जितनी यहाँ पे है। और ये वाला चेक कर लो, इसका कैसा डिजाइन है। बाकी स्मार्ट सिटी तो हमको देखनी ही है, पहले आप ये देख लो। ओ भाई साहब, ये मस्जिद है, मैंने बहुत बार आपको दिखाई है व्लॉग्स में। उसकी लाइट देखिए रिफ्लेक्ट हो रही है जालिम रिवर में। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है मस्जिद। ओ भाई साहब, और ये वाला चेक कीजिए गाइस, यहाँ पे लीव्स लगाई गई है। ये देखिए कितने बड़े बड़े लीव्स हैं। ये देखिए, तो गाइस अब ये वाला चेक कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है #कश्मीर। अभी तक प्लास्टिक से ढक के था, लेकिन यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पे खोल दिया गया है #कश्मीर। देखिए यहाँ पे कौन मिल चुके हैं हमें, सर मिल चुके हैं यहाँ पे, एंजल्स कल्चरल एकेडमी के प्रेसिडेंट मिस्टर तारिक अहमद शेरा। आप तो इनको जानते होंगे और इनके साथ है भाई, आपका क्या नाम है? रईस, आरजी रईस। आरजी रईस है इनका नाम। देखिए भाई, मस्त लग रहे हैं, दूर से नजर आते हैं भाई। आरजी हमारे कश्मीर के सिंगर है। ये तो दूर से लग रहा भाई, कोई यूनिक सा बंदा आ गया। सही है भाई, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आप क्यों आए हो यहाँ पे, क्या करने के लिए? जैसे कि आज गवर्नर साहब आए थे यहाँ पर, LG मनोज सिन्हा साहब ने, उन्होंने आज इनॉग्रेशन किया यहाँ पर है कश्मीर, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने सिंगिंग का यहाँ पर एक बनाया गया है यहाँ पर, जो लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए है। हाँ, इससे पहले शाम के वक्त यहाँ पर जो यहाँ के जो टैलेंटेड सिंगर थे, उन्होंने यहाँ पर लोगों को एंटरटेन किया। और यहाँ पर जो #आज से स्टार्ट
किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आप देख रहे हैं, लोकल जो यहाँ पर आ रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर लुत्फ हुए और यहाँ पर उन्होंने फोटो। जी जी जी, चलिए जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। आप हमारे साथ ही आओगे जहाँ हम जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, है ना, अब साथ में जाएंगे अपने आरजे भाई और तारिक शेरा। तो गाइस यहाँ पे ना इससे पहले सॉन्ग चल रहा था, कश्मीरी सॉन्ग, लेकिन हमसे वो मिस हुआ। ये देखिए, ओ भाई साहब क्या करे यार, अपनी किस्मत दिखा रहा। ये देखिए गाइस, अपने तारिक अहमद शेरा, उनका इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे। आरजे यू रईस, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पे अभी आए हो, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अभी यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत फील अच्छा हो रहा है, है ना। इससे पहले आपने यहाँ पे इतनी भीड़ देखी है जितनी आज है यहाँ पे? इससे पहले तो यहाँ पे ऐसी भीड़ थी नहीं, लेकिन आज बहुत अच्छा माशाल्लाह, जैसा वो मेला टाइप लगा हुआ है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत भीड़ है आज, बहुत ही वो अलग सी फीलिंग आ रही है भाई, बहुत ज्यादा अच्छी। यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है आप खुद देख सकते हो, यहाँ से देख लो। यहाँ पे पहले सॉन्ग चल रहा था? हाँ, इससे पहले अभी यहाँ पे इवेंट ही हो रहा था, तो भाई मैं वही देखने आया था, थोड़ा सा लेट हो गया, मैं चल के आया ना घर से, इसीलिए। तो वो इंशाल्लाह रोज शाम से हमको यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, आप कल भी आ सकते हैं, इधर देख सकते हैं। रोज होंगे? कल था, मेरा कल था। अच्छा, आपका कल था? जी जी। तो गाइज जैसे कि आपको पता है, आरजे यू रईस जो कि है सिंगर है कश्मीर के, तो आप दो लाइनें सुना सकते हो अपनी जुबान में? जी सुनाइए फिर। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। वाह 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 भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। शुक्रिया, शुक्रिया। किस्मत में हुआ तो और भी मिलेंगे आपसे, तो इन्होंने मेरा कांटेक्ट नंबर लिया, तो जरूर मिलेंगे आपसे। और मेरी चैनल सब्सक्राइब करना, आरजे यू रईस के नाम से यूट्यूब पे, आरजे यू रईस। थोड़ा सा वो स्पेलिंग बोल सकते हैं? वर्ड्स आरजे यू रईस, आर ए वाई डबल एस। ओके, वो जरूर सब्सक्राइब करना, उसमें मेरा एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट भी आने वाला है जानान, तो वो आप जरूर देखना। भाई को पूरा सपोर्ट कीजिए, आवाज दीजिए। कश्मीर के साथ वीडियो उठाने के लिए ना हमको 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ा, तब जाके हम यहाँ पे वीडियो उठा सके। अभी भी देखिए 10 बज चुके हैं, यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है लोगों की। ओ भाई साहब, फोटो उठाने के लिए हमको 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। अब सर से पूछ सकते हो कितना हमको यहाँ पे वेट करना पड़ा? कम से कम 1.5 घंटा है ना, 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे वेट करते हुए, तब जाके मुँह के मिला यहाँ पे फोटो उठाना। तो आज ये पहला दिन था ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है। तो गाइस सबसे बड़ा क्रेडिट पता है किसको जाता है? इन लोगों को, इन्होंने यहाँ पे पूरा काम किया, ये पास का काम आप लोगों ने किया ना यहाँ पे। ये कश्मीर किसने लगाया यहाँ पे? मैं लगाया। आपने ही लगाया? हाँ। अपने हाथों से? ये कैसा डिजाइन? ये वो सीमेंट का बना हुआ है यहाँ पे? सीमेंट का है। अच्छा, ऊपर से वो कलरिंग की गई है फिर? ये देखिये गाइस, ये पूरा सीमेंट के ऊपर से कलरिंग की गई है यहाँ पर। जो ये आप जो भी आप इस टाइम यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छा व्यू जो आ रहा है, ये सब इनकी मेहनत है, इनकी मेहनत है। इनका कहना था कि जो कश्मीर लगा है यहाँ पे, फ्रेश कश्मीर जो लगा है, हाँ, ये बारिश के टाइम पे लगा है। अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा मेहनत लगी इनको, बहुत ज्यादा। तो मेरे ख्याल से इनको ही जाता है, इनको ही जाता है। सही बात है, सही बात है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, हाँ, इतना मेहनत करने के लिए कश्मीर के लिए। यहाँ पे आप बैठ सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे फ्लावर बेड्स भी है, और सामने देखिए क्या व्यू है, अभी हाउस बोट है यहाँ पे, और ये देखिए जो मस्जिद मैंने आपको दिखाई, तो यहाँ पे बैठने में भी अलग ही मजा आएगा। यहाँ पे भी बनाया गया है, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। 10:30 बज चुके हैं, और ये देखिए अब पूरा खाली खाली सा होने लगा है। सब अपने घर चले गए। और ये देखिए गाइस, शंकराचार्य मंदिर, वो देखिए, ये अभी ना वो आसमान में लग रहा है, क्योंकि पहाड़ नजर नहीं आ रहा है, ये देखिए अंधेरा है ना अभी। तो गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो चार्टर्ड बाइसाइकिल थे, अभी तक इसकी सर्विस ओपन नहीं हुई थी, अब जाके इसकी सर्विस ओपन हुई है। मैंने यहाँ पे देखा बहुत सारे को चलाते हुए, तो हाँ, बाकी मैंने इसके बारे में आपको बोला है बहुत सारे व्लॉग्स में, वो आप जाके चेक करिए। गाइज हम ना अभी बहुत ही आगे आए, ये देखिए ये रहा पोलोवी का ब्रिज। गाइज ऑफिशियल सरदार भाई ना आधे घंटे के लिए गायब हुए, ये देखिए ये क्या लाने गए थे। आपने कॉफी भी पी है ना शायद? हाँ, मैंने कॉफी, अकेले अकेले इसने कॉफी। मैं आपको बुलाने वाला था लेकिन मेरा फोन डाउन हो गया। फोन डाउन हो गया, फिर कहाँ से कॉल किया? जल्दी चार्ज रखा ना। अच्छा हाँ, सही है सही है। चले जी, अब ये ला, ये क्या है? ये मैंने कभी नहीं खाया, पहली बार खाना। मैं भी पहली बार है। क्या ये? इसको कुछ कहते हैं लेकिन पता नहीं क्या कहते हैं। सही है। देखो यहाँ पे कोई नहीं है हमारे बगैर, ये देखिए सड़कें भी पूरी खाली है, और गाय देते हैं सलाद भाई खा रहे हैं। ये ना कुछ वॉलनट्स डाले, दो
दोस्तों आपने देखा भारत का कश्मीर स्मार्ट सिटी बन चुका है। जो कश्मीरी जो ब्लॉगर हैं उन्होंने घूम घूम के हमको दिखाया कि कश्मीर के अंदर कितनी ज़्यादा तरक्की हो गई है, कश्मीर कैसे एक स्मार्ट सिटी बन चुका है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब ये वीडियो पाकिस्तानी देखेंगे तो पाकिस्तानियों को मिर्ची तो लगेंगी ही, साथ ही साथ उनके मुंह से बा बा के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं निकलेगा कश्मीर को लेकर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके क्या ओपिनियन है इस वीडियो को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, कश्मीर को लेकर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।